और एमसीडी में पिछले 15 साल से पीछे है। आज हमने भजनपुरा 24 नंबर गली से लेकर 1 नंबर गली तक दौरा करना था और हम अब इस टाइम हम 22 नंबर गली में हैं। कोली समाज से मिलने के लिए 24 नंबर गली में गए हम। कोली समाज का पूरा समर्थन हमारे साथ है। जनता ने बहुत स्वागत किया हमारा और उन्होंने अपनी परेशानियों को बताते हुए बोला कि हमारे यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, हमें बिल्कुल इग्नोर किया जाता है और यहाँ पर हमारे कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई भी पार्षद आता है हमारी गली में आज तक नहीं कोई आया। तो हमने उनसे वादा किया है जैसे ही हम जीत कर आते हैं कोली समाज को हम ध्यान में रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए काम करवाएंगे और वहाँ पे हम हफ्ते में एक बार ज़रूर उनसे मिलने आया करेंगे। हमें यमुना विहार वार्ड के पूरे वार्ड का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत लोग खुश हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है और वो यही चाहते हैं कि यमुना विहार वार्ड में भी आम आदमी पार्टी का पार्षद आए और हमारी समस्याओं का समाधान करे कि केजरीवाल जी हमें परेशान कर रहे हैं, फंड नहीं मिल रहा। इस बार उन्होंने बिल्कुल नकार दिया बीजेपी को और 4 तारीख को वोटिंग होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग देंगे। पूर्व बहुमत से यमुना विहार वार्ड में भी आम आदमी पार्टी का पार्षद आएगा। 7 तारीख को रिजल्ट आपको पता लग जाएगा।